आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हम जो नुस्खे आपको बताते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं वो है पानी। वैसे पानी हमारे जीवन का आधार है। रहीम जी भी कहते थे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। सच में पानी हमारे जीवन का एक आधार है। पानी के बिना कुछ नहीं है। पानी पीना एक अच्छी बात है। किसी भी रोग को दूर करने भगाने के लिए पानी रामबाण इलाज है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जगह पानी नुकसान कर सकता है? वो जगह है जब आप खाना खाते हैं उसके बीच में पानी पीने से। पता है वो कितना नुकसानदायक होता है? इतना हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए कि उसका सीधा असर आपकी पाचन क्रिया पर पड़ता है। कभी भी खाना खाने के आधे घंटे या एक घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खाना खाने के बीच में पानी पीने के नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि क्यों नहीं पिए आखिर पानी, तो हम आपको बता देते हैं कि भोजन के समय पानी पीने से यह पेट की सतह द्वारा सोख लिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पेट में भोजन के लिए जरूरी द्रव्य इतने अधिक गाढ़े ना हो जाएं कि वे भोजन को पचा सकें। लेकिन खूब सारा पानी पीने के कारण यह द्रव्य पेट के मौजूद भोजन से भी अधिक गाढ़ा हो चुका होता है। ऐसे में भोजन पचाने के लिए पेट में गैस्ट्रिक जूस बनना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप भोजन नहीं पचता और सीने में जलन होने लगती है। यदि भोजन सादा हो तो भोजन के समय पानी ना पीना लाभकारी होता है। लेकिन जब भोजन अधिक तीखा, मिर्च मसालेदार, नमकीन, खट्टा हो तो पानी पीना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में पानी पीने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत यदि भोजन प्राकृतिक हो और भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर आपने खाया है तो भोजन के बीच में पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीखा या चटपटा भोजन करते समय ध्यान रखें कि प्यास लगने पर एक या दो घूंट पानी ही पिएं। ज्यादा पानी आपके पाचन क्रिया को खराब कर सकता है। भोजन करते समय अगर आपको खांसी आती हो तो भोजन के बीच में पानी पीने की जगह आप दूध, मट्ठा या दही का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका भोजन सही से पच जाएगा। सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि इस मौसम में आपकी पाचन क्रिया काफी कमजोर होती है। भोजन के बीच में पानी पीने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। भोजन के बाद एक कप गर्म पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति ठीक रहती है और खाने को पचने में मदद मिलती है। अगर आप खाने के साथ अन्य कोई पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक या दूध लेते हैं तो यह आपकी पाचन शक्ति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खाना खाने के साथ यह पेय पदार्थ भी कुछ हद तक वैसा ही काम करते हैं जैसा कि पानी। कुल मिलाकर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा तो है, लेकिन दिन में पानी आप खूब पिएं, आप भोजन के साथ पानी ना पिएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है, चरपरा लग रहा है और अगर भोजन अटक रहा है तो आप एक आध घूंट पानी ले सकते हैं। आप सुबह उठकर खूब पानी पी सकते हैं और दिन में थोड़ा थोड़ा कर आप 3 से 4-5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और आप हमेशा अगर इस चीज को फॉलो करोगे, इस प्रक्रिया को फॉलो करोगे तो आप स्वस्थ बने रहोगे। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।